भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत ने गोटे गांव में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसान संघ ने मक्का का समर्थन मूल्य घोषित करने और प्रदेश में सूर्योदय योजना लागू करने की मांग की। किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की और एसडीएम निधि गोयल को ज्ञापन सौंपकर मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात भी कही। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता गोटे गांव की सड़कों पर उतरे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। किसान संघ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार को मक्का का समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए ताकि किसानों को परेशानी ना हो। यही नहीं, गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी सूर्योदय योजना लागू होनी चाहिए। प्रदेश में किसानों को कम से कम 16 घंटे बिजली मिले, इन मांगों को लेकर किसान संघ ने गोटे गांव में प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही। गोटेगांव तहसील के आह्वान पर एवं नरसिंहपुर समस्त कार्यकर्ताओं के आह्वान पर एक धरना एवं ज्ञापन कार्यक्रम किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीदी होना एवं किसानों को जो यूरिया की कमी आ रही है मार्केट में, यूरिया की पूर्ति किसानों के समक्ष होना आवश्यक है। और तीसरा मुद्दा है हमारा बिजली। किसानों को 24 घंटे बिजली की उपलब्धता तो हमेशा ही रहती है, लेकिन सरकार किसी भी कारणवश 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो किसानों को कम से कम 16 घंटे बिजली थ्री फेस किसानी कार्य के लिए उपलब्ध कराई जाए। मुख्य मुद्दे अभी यही है और आगामी समय में यदि शासन प्रशासन द्वारा हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती है तो किसान रोड पर उतरेगा, जो मंडी से लेकर तहसील तक पूरा जाम करने के लिए व्यवस्था रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। अभी हमारे इस धरना कार्यक्रम में लगभग 100 ग्राम के किसान बंधु उपस्थित हुए हैं। समस्त जिले के पदाधिकारी हैं, प्रांतीय पदाधिकारी हैं।